उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में आपका स्वागत है, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा में फिलहाल उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। कायराना में आरएलडी को जबरदस्त जीत और बढ़त सामने दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में जरूर ड्रॉ हो गया है मामला, क्योंकि एक सीट पालघर में बीजेपी आगे है, लेकिन वहीं पर दूसरी सीट भंडारा गोंदिया में वो पीछे चल रही है। तीसरी तरफ अगर आप रुख करेंगे, ये तो हमने लोकसभा सीटों की बात कर ली है, नूरपुर में भी समाजवादी पार्टी को विधानसभा सीट पर बढ़त है। कांग्रेस पंजाब में भी आगे, कांग्रेस मेघालय में भी आगे, यानी दोनों ही जगहों पर। टीएमसी पश्चिम बंगाल में, तो तमाम राज्यों से बुरी खबर आती हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए। सिर्फ एक सीट महाराष्ट्र में ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है मामला, क्योंकि दो सीटों पर हो रहे थे चुनाव, वहां पर एक सीट पालघर फिलहाल बीजेपी के पास है। ऐसे वक्त पर बहुत मुश्किल होता है प्रवक्ताओं के लिए मोर्चा संभालना अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, क्योंकि जोकी हाट में भी देखिए बिहार में निर्णायक जीत की तरफ आरजेडी ही बढ़ती हुई। ये उपचुनाव बहुत अशुभ संकेत लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए, शायना एनसी जी, क्या है सबक, क्या है सीख? मुझे पता है रुझान है, लेकिन अब 40,000 वोटों का फासला हो रहा है इन जगहों पर। शायना जी, देखिए ये अभी तक रुझान है, आप जो अभी नतीजा अनाउंस करने वाले हैं तो ये विवाद या ये डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको अंजना जी सिर्फ दो चीज़ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है 21 प्रदेश में, ये 4 साल में, उसका विश्लेषण आप नहीं कर रहे हैं। कोई उपचुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, डायमेंशंस अलग होते हैं, कितने तादाद में लोग बाहर आते हैं वोट करने, क्या समीकरण है, इत्सेट्रा। जब उत्तर प्रदेश में इस भारी तादाद में हम विधानसभा के इलेक्शंस जीते, तो किसने विश्लेषण नहीं किया कि दलित, मुसलमान, सभी जात पात धर्म के ऊपर वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए? तो मैं मानती हूँ कि ये एक निकाल ज़रूर है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती है और हर एक इलेक्शन को सही मायने में वो ना सिर्फ विश्लेषण करते हैं, वो चिंतन भी करते हैं, जो कोई छूट है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर वन पार्टी है पूरे देश में, आज नहीं पूरे विश्व में, 11 करोड़ सदस्य, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तादाद में लोग उतरते हैं जनरल इलेक्शंस के लिए, आप उसका तुलना नहीं कर सकते हैं एक सिंगल बाईपोल के साथ। इसके बावजूद पालघर जैसे कठिन सीट में हम जीत के आए हैं, भंडारा में हार्डली एनी डिफरेंस है, वहाँ भी हम जीतेंगे। कैराना में भी जो आपने विश्लेषण किया है आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, नतीजा होता है जब फाइनल विक्ट्री और डिफीट, लोग एक वोट, ठीक है, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, तो मुकेश नायक, ठीक है कि आप थोड़ा सा इंतजार करना चाहते हैं। मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अजय आलोक जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहिल जोशी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अजय आलोक जी शुरुआत करना चाहती हूं, बताइए सर क्या हो गया आरजेडी की जीत? लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का मोदी के साथ आना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। चलिए, उनका फोन नहीं आया है इसलिए उनके पास बाद में चलेंगे। जूही सिंह जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है दोनों ही जगहों से। बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है अंजना जी, और हमने मेहनत की थी। साथ ही ये कहना कि ये केवल उपचुनाव है गलत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बागपत में प्रचार किया था, मुख्यमंत्री तो वहां थे ही, मुद्दों की बात हमने की थी। उन्होंने बार बार बताया कि गन्ना किसान, हमने कितना भुगतान किया, हमने बताया कितना नहीं किया, एक किसान की भी वहां मृत्यु हुई, किसानों ने घेराव भी किया। लोग कह रहे थे कि हमें केवल किसी एक वर्ग का वोट मिलेगा, लेकिन जब वोट एनालिसिस करेंगे तो सभी वर्गों का वोट हमारे संयुक्त कैंडिडेट को मिला है। तो अगर बीजेपी इसको केवल एज उपचुनाव ट्रीट करना चाहती है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी मेहनत है, और हम आज खुश हैं कि हमारे एक संयुक्त कैंडिडेट की विजय हुई है और मेहनत से विजय हुई है, मुद्दों पर बात करके विजय हुई है। जी चलिए, ठीक है। मुकेश नायक जी, नलनी जी भी, आपके पास कोई सवाल हो किसी से तो पूछेगा। मुकेश नायक जी से एक आलोक जी अभी नहीं जुड़े हैं, अभी आलोक जी आ रहे हैं, लेकिन उनसे आप आ रही हूँ। साहिल, साहिल कोई खबर है क्या? तुरंत आ रही हूँ साहिल। देखिए, जो अभी शायना इनसे कह रही है उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि पालघर में बीजेपी करीब करीब जीत के कगार पर है, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी और बिहार में महागठबंधन के नाम पर पार्टियां साथ में आई और वोटों का बंटवारा जो अपोजिशन पार्टीज का
हो रहा था वो टालकर वहां पर जीत हासिल हो रही है, वो महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा है। शिवसेना सत्ता में रहकर भी एक अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रही है, जिसका खामियाजा अपोजिशन पार्टीज को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा है। पालघर में शिवसेना नंबर दो पर है और बीजेपी नंबर एक पर है, यानी बीजेपी शिवसेना सरकार में रहकर भी ज्यादा अच्छी तरीके से अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, ये इससे साफ नजर आता है। और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि कांग्रेस सारे चुनाव में कहीं भी नहीं है। महाराष्ट्र में जिस सीट पर पालघर पर बीजेपी जीत रही है और शिवसेना नंबर दो पर है, वहां कांग्रेस चार नंबर पर पहुंची है, ठीक है। यानी कांग्रेस का जो खुद का बेस था दलित वोटों का, आदिवासी वोटों का, वो उससे बिखरता नजर आ रहा है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, ठीक है। अजय आलोक जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? अजय आलोक जी, नलनी जी एक सवाल पूछना चाह रही हैं। अजय आलोक जी, अब जबकि आवाज आ रही है आपकी, अजय आलोक जी, जब आपने आज के रिजल्ट देखे हैं, तो एक छोटा सा सवाल, क्या फिर नीतीश जी, नीतीश बाबू फिर राजद के साथ में हाथ बटा लेंगे और कांग्रेस के हाथ में सुगबुगाहट है कि वो कांग्रेस को मिलते रहते हैं आजकल, तो क्या आपको लगता है कि फिर ये गठबंधन में पाला पलट करके फिर ये दूसरे में चले जाएंगे, ऐसा है क्या? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता है। हाइपोथेटिकल और हम जहाँ पे हैं बहुत स्थिर हैं, और ये जो रिजल्ट आप जोकीहाट के देख रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जोकीहाट 2005 से हम लगातार जीतते आए, 5 जीता, 10 जीता, 15 जीता, उसकी बहुत बड़ी कारण थी कि कांग्रेस कभी अलग लड़ती थी, कभी एनसीपी अलग लड़ती थी, और डिवीजन ऑफ वोट्स होता था, हम जीतते थे। पिछली बार अररिया लोकसभा चुनाव में ये मत भूलिए कि जोकीहाट अकेला विधानसभा था जिसने अररिया लोकसभा जिता दिया, 1,20,000 वोट अररिया जोकीहाट विधानसभा से उनको मिले थे, जो इस बार सिग्निफिकेंटली घट के आधे से ज़्यादा कम हो गए हैं। बीजेपी हमारा जो कैंडिडेट था जोकीहाट में अररिया लोकसभा में मात्र 15,000 वोट मिले, आज हमारे कैंडिडेट को 35,000 वोट से ऊपर मिले, तो मैं तो इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। अजय जी, आपको एक काउंटर करके एक सवाल पूछ रही हूँ। को ध्वस्त करने में काम है। एक सेकंड, मैं चाह रही थी दरअसल कि कैराना और नूरपुर पे हम लोग वापस आए। देखिए, टाइमिंग कैसी आपकी है, आपने हाथ मिलाया और एक के बाद एक कैराना नूरपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिस बीजेपी के साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में आपको उनकी वापसी दिखाई दे रही है, चुनौती दिखती है, 80 सीटें हैं सर, छोटा सा जवाब, और वहां पर लगातार ये चौथा बाई इलेक्शन है जो वो हारेंगे, 3 लोकसभा 1 विधानसभा। जो हर चुनाव चुनौती होती है अंजना जी, हर चुनाव चुनौती होती है। बाईपोल्स ठीक है, इससे सरकार इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन चुनौती जरूर होती है, इसको मैं ये मानने से गुरेज नहीं रखता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि बीजेपी से हमने फिर से दोस्ती की है, बीजेपी से कोई नई दोस्ती नहीं है हमारी, बीजेपी पहले भी 17 साल दोस्ती हमने किया, बहुत चुनाव साथ में लड़े हैं, और चुनाव में हार जीत आते जाते रहती है। मैं बिहार के प्रति कॉन्सेंट्रेट होकर आपको कह रहा हूँ कि जोकीहाट एक ऐसी सीट है जहाँ 75% MY समीकरण है, और उस 75% MY समीकरण में हमने इनका विनिंग मार्जिन 90,000 से कम करके 35,000 पे हम इनको ले आए, और हमारा वोट शेयर 35,000 पे पहुंच गया। इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि लालू यादव की MY समीकरण को ध्वस्त करने में हम आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार की जनता जवाब देगी। यहां बिहार में MY समीकरण हो, आपको बीच में टोक रही हूं सर, क्योंकि नूरपुर से खबर आ रही है MY समीकरण बिहार में हो, या फिर दलित जाट और मुस्लिम्स का समीकरण यूपी में हो, इसी समीकरण को भेदना हिंदुस्तान की राजनीति में जीत का मंत्र बनता है, और जो इसमें पीछे छूट जाता है वो हार जाता है, जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, और ऐसे ही सिकंदर अभी वो गठबंधन दिखा दे रहा है जो उत्तर प्रदेश में बना है। नूरपुर में भी समाजवादी पार्टी को निर्णायक बढ़त अब दिखाई दे रही है, जीत करीब करीब दोनों ही जगहों पर तय है, जबरदस्त फासला बन रहा है, बीजेपी बहुत पीछे है, और मुकेश नायक जी, बीजेपी पीछे जरूर है, लेकिन आप कहां हैं सर? यूपी में अभी भी आप एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि नहीं के बराबर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मतलब आप अस्तित्व की लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, मायावती, सभी लोग जब खत्म हो जाते हैं तब अंत में आपका नाम आता है यूपी में। जी अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं
जो पूरे देश में विपक्षी एकता है, इसकी सूत्रधार कांग्रेस है और यूपी से लेकर पूरे देश में एक स्ट्रैटेजिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक रणनीति के तहत सभी राजनीतिक दलों ने एक जो रणनीति बनाई है उस पर हम कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गोरखपुर और कैराना, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र अलग अलग अंचलों से आते हैं, यानी इन तीन लोकसभा चुनावों में इतने जल्दी बीजेपी का हारना एक सैंपल है पूरे उत्तर प्रदेश का, कि पूरे उत्तर प्रदेश की सामूहिक चेतना में बीजेपी का जो जनाधार है ये फिसल रहा है, बीजेपी पीछे जा रही है। और बीजेपी इसलिए पीछे जा रही है कि जन समस्याओं को लेकर, लोगों की घुटन, बेचैनी और रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर वो एड्रेस ही नहीं करती है उन समस्याओं को। शायना जी, जवाब दीजिए, इश्यूज को इश्यूज बनाना, बाई इलेक्शन ज्यादातर एग्जिस्टिंग पार्टी जो सत्ता में हो वही जीतती है, फिर भी आप हार रहे हैं, इतना जल्दी गुस्सा दिखने लगा वोटर का, उसके बावजूद ही हार रहे हैं। देखिए, किसका गुस्सा, क्या गुस्सा, आप मुझे बताएं। जब हम जीतते हैं विचित्र विचित्र जगह से, जैसे नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू कश्मीर या फिर आसाम या फिर कर्नाटका में, जहां आप कहते हैं कि ये तो उत्तर भारतीय पार्टी है, वहां कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब 22 साल बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं गुजरात में, वहां हमारी जीत हो रही है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि एक इलेक्शन के आधार पर या दो तीन समीकरण के आधार पर, पहले तो हार जीत हुई नहीं है भाई साहब, धीरज रखिए। लास्ट राउंड में भी हमने देखा है कि कैसे लोग जो हार रहे हैं जीत रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में हार जीत होते हैं अलग अलग मुद्दे पे, और वो मुद्दे क्या है, हम कोई घमंडी पार्टी नहीं है जो नज़रअंदाज करने वाले हैं जनादेश को, हम बल्कि विश्लेषण हमेशा करते हैं, क्योंकि आज जो हमारे पास 11 करोड़ सदस्य हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ तक एक एक कार्यकर्ता हमारे लॉयल वोटर्स को बाहर लाएं। ये कभी कभार पोल्स में नहीं होता है अंजना जी, आप जानते हैं, आप कब से कवरेज कर रहे हैं, जब हार होती है तो जीत भी होती है। पालघर जैसे कठिन लोकसभा में, जहां उम्मीदवारों का जो बंटवारा हुआ, जहां हमारे ही विधायक, हमारे ही खासदार के जो बेटे थे वो कोई अलग पार्टी से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद जो बीजेपी जीत के आ रहा है, तो क्या ये पब्लिक मैंडेट नहीं है कि लोगों ने स्वीकारा है हमारा गुड गवर्नेंस और प्रोग्रेसिव पार्टी के जो विचारधारा होते हैं, वो विचारधारा कोई जात पात धर्म के आधार पे नहीं है, उसका मतलब है सबका साथ सबका विकास। और आज मोदी जी की जो छवि है, आप स्वीकार करना चाहे या नहीं, विश्व में उनकी जो छवि है, ठीक है, नेता जो मेहनती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, शायना जी सवाल क्या है ना, सवाल क्या है कि विश्व को संभालते संभालते ऐसा ना हो कि नूरपुर, कैराना, गोरखपुर, फूलपुर सब हाथ से फिसलता चला जाए, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। संजय शर्मा, 10,550 वोट से समाजवादी पार्टी आगे उत्तर प्रदेश में। जी हां, निर्णायक बढ़त तो हो गई है, अब सिर्फ 3 राउंड की मतगणना बाकी है, जिसमें उम्मीद नहीं लगती कि इतने ज्यादा गैप को कवर किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है, और उन्हें उम्मीद है कि वो जीतेंगे, लेकिन ये उम्मीद कई बार ऐसा लगता है खोखली उम्मीद के सहारे आदमी जीता है। जिस समय आदमी का बटवा चोरी हो जाता है, मालूम है चोरी होगा, उसके बावजूद वो जेब पर हाथ लगाता है कहीं वहाँ है तो नहीं, जिस आदमी का ऊँट खो जाए वो लोटे में भी खोजता है कि कहीं ऊँट वहाँ तो नहीं, तो लिहाजा इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन फिलहाल मेरे पीछे हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, बसों में भरकर लोग आ रहे हैं, और इससे पहले भी जब 19वें राउंड की मतगणना चल रही थी उस समय भी यहाँ पर लोग नारे लगाते हुए आए थे, पुलिस को उन्हें हटाना पड़ा था, किनारे करना पड़ा था। फिलहाल 3 राउंड की मतगणना और होनी है, जिसमें 25 राउंड है, 22 राउंड की मतगणना हो चुकी है, 3 राउंड की मतगणना यानी अब 24वें राउंड की चल रही है, और अब 2 राउंड और रह गए हैं, उसमें भी अगर कुछ मशीनें अगर बचेंगी तब वो 25वें राउंड में जाएंगी, अन्यथा 24। संजय, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा, तो ऐसे में उम्मीद यही लग रही है, निर्णायक बढ़त हो चुकी है, अब ऐसे में आपकी समझ में यहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर, इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा कि एक तो जो यहाँ जैसे विधानसभा में होता सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वैसे इलाके में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोटों ने खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और विपक्षी एकता ने अपना रोल अदा किया, जिसमें बहुत सारी ऐसी, और
अब देखिए गुंडाराज का खात्मा हुआ है, जनता समाजवादी पार्टी को मारपीट गठबंधन को पसंद कर रही है, मोदी को हार देगी जनता। ये इन लोगों का, यहाँ के किसानों से हमारी बात हुई, किसानों का कहना था कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, किसान आज भी खेतों में जंगलों में काम करता है और उसके लिए कुछ नहीं हुआ, लिहाजा गुस्सा है लोगों का। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे समीकरण हैं। दलित समाज पर जो भाजपा ने निरंतर अत्याचार किया, दलित समाज ने आज उसका बदला लिया है। दलित समाज बहुत समय से परेशान था और अपने अपने तरीके से अत्याचार किया। ऐसी परिस्थिति में मैं भी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, मुझे पता है जब माइक छीनने लगते हैं पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल होती है। आपको एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं फौरन, लेकिन वापस लौट रहे हैं इन सवालों के साथ। देखिए बीजेपी के लिए इन उपचुनावों के मद्देनजर कम से कम एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्या वो नजर मिलाएगी उस चुनौती से? ब्रेक के बाद लौट रहे, देखते रहिए आज तक।